नमस्कार एवं आसतु सारा ओडिशा रे विस्तृत खबर उपर नजर पकाइबा। बदलिला राज्य कांग्रेस रो नेतृत्व, भेटरान शरद पटनायक हेले राज्य कांग्रेस रो नुआ मंगुआल। शरद को प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति भाव में नियुक्त करिसंती कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी। 2001 परे द्वितीय थर पई शरद को उपरे आस्था रखिसंती हाईकमांड। तेबे अनेक प्रश्न मध्य सृष्टि होउछि, कारण शरद दायित्व नेबा परे कांग्रेस को संभाली आगो को नेबा केते चैलेंजिंग होई पारे। से भाई आम देखीचे पीसीसी सभापति पाई मध्य अनेक नेता लबि रही थे, जो नेता माने लबि रही थे एवं सभापति दायित्व पाई नहांती बा हाईकमांड तांकु दायित्व दे नहांती, से माने वास्तव में शरद को समर्थन करिबे तो समस्त को नहीं शरद आग को बढ़िबा केते दूर बा केते दूर सक्षम हो पारे, केते दूर संभव हो पारे। सेपटे 2024 रे रहुची निर्वाचन, ता पूर्वरु कांग्रेस रे ए परिवर्तन, कांग्रेस संगठन रे कौन परिवर्तन आनिबो एवं फलाफल रे कौन परिवर्तन आनिबो ताकु नै मध्य अनेक तर्जमा एवं आलोचना आरंभ हो सारी। एसब भितर आम देखुचे कांग्रेस लगातार भाव से विधानसभा कथा कहतु, पौर निर्वाचन कथा कहतु, बा पंचायत निर्वाचन कथा कहतु, सबु जगार कांग्रेस विफल हो दोष बा यार दायित्व निश्चय निरंजन पटनायक मुंडाई। किछि दिन हला कांग्रेस रे चर्चा एवं आलोचना लागि रहिथिला कि नेतृत्व परिवर्तन हो, नेता मध्य दिल्ली जाउथिले एवं कांग्रेस हाईकमांड को सहित विचार विमर्श करिथिले, तापरे मोहर मारिछंती कांग्रेस हाईकमांड। सबु कल्पना जल्पनार अंत, राज्य कांग्रेस रा मंग धरिले भेटरान शरद पटनायक। शरदंकु नुआ पीसीसी सभापति भाबे नियुक्त करिछंती कांग्रेस हाईकमांड, आउ शरदंक नियुक्ति नै विधिवद्ध भाव विज्ञप्ति जारी करिछि आईसीसी। एहाकु मिसाई द्वितीय थर पाई पीसीसी सभापति होइछंती शरद। 2001-2004 जाए पीसीसी सभापति रहिथिले शरद। 1991-1996 रे दुई थर बलांगीर लोकसभा आसनरु विजय होइथिले शरद। राज्य कांग्रेस रही वरिष्ठ नेता विभिन्न समय निजर अभिज्ञता और दक्षता प्रतिपादित करिथिबारु तांको उपरे पुणि थरे आस्था रखि राज्य कांग्रेस रा नेतृत्व भार देइछंती हाईकमांड। प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति भाव मत आम अल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी और आम नेता राहुल गांधी मनोनीत होते कृतज्ञता ज्ञापन कले। गाँव सहर पर्यटन गाँव भुवनेश्वर राजधानी पर्यटन जिते कांग्रेस कर्मी अच्छा से सब कांग्रेस कर्मी और कांग्रेस नेतृबृंद को सांगे नहीं आगामी 24 निर्वाचन में आम रण प्रस्तुत करूँ एक्शन प्लान तैयारी कर। नवनिजुक्त शरद पटनायक को नहीं दलर अन्य वरिष्ठ नेता मैंने ढेर आशा रखिंट। वरिष्ठ विधायक सुरेश राउतराय कही समस्त को साथी नहीं शरद कम करे दल एवं घड़ी सन्धि मुहूर्त दे गति करय समस्ते शरद को समस्त प्रकार सहयोग करे बोली विधायक मोहम्मद मुकिम। युव कांग्रेस, छात्र कांग्रेस, महिला कांग्रेस, आदिवासी सेल, आम हरिजन सेल, माइनर कम्युनिटी आम जिते लीडर अच्छु समस्त एकाठी करी से आगेबे 2024 की कांग्रेस संगठन सुदृढ़ हम निर्वाचन जयजुक्त हवा। अभिज्ञ राजनेता से छात्र जीवन युव जीवन से कम करुले प्रदेश कांग्रेस कमिटर किस दिन सभापति थे भावुची नेतृत्व में समस्त मिलित भाव में ये घड़ी मुहूर्त दायित्व समस्त अच्छी कांग्रेस किप सुदृढ़ कर। नवनिजुक्त पीसीसी शरद पटनायक आगकु आसिबो अनेक आह्वान। प्रथम चैलेंज रहिबो ब्रजराजनगर उपनिर्वाचन, दायित्व नेबा परे एहा हेबो शरदंक प्रथम एसी टेस्ट। ता छड़ा आशा करा जाउछि शरद खूब शीघ्र तांकर नुआ टीम गढ़िबे, तेणु दल रे सांगठनिक स्तर रही पारे बड़ अदल बदल। उभय युव और वरिष्ठ भितर समन्वय रखी टीम बाछिबा शरदंक बड़ चैलेंज हेबो। एथिसह किसी जिला सभापति बदली पारती शरदों पर अन्तम आह्वान हेब दल भितर सबु नेता सांगे नहीं कम करवा समस्त विश्वास भाजन होगा, कारण विगत किसी वर्ष धरी दल भितर अंतकंद अंत हो से केते दूर समस्त नहीं चली पारे से निर्भर करे। सी जी पार्सल सी जी आपको केत लोग छाड़े केत लोग ने करेंगे से कथा तांकर कथा तांके बुझे किंतु आमे समस्त सहयोग करिवु। निरंजन को जागा नेबे शरद, नूतन पीसीसी सभापति नियुक्त हेबा परे कांग्रेस हाईकमांड को कृतज्ञता जणाइछंती विदाई पीसीसी सभापति निरंजन पटनायक। सोनिया गांधी, राहुल गांधी सह प्रभारी चेरा कुमार, पूर्वतन प्रभारी जितेन्द्र सिंह एवं जगदीश टाइटलन को मध्य धन्यवाद जणाइछंती। राज्य कांग्रेस नेतृत्व भावे काम करिवार सुजोग देइथिबारु
ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ନୂଆ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଶରଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ନୂଆ ଶିଖର ଛୁଇଁବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାପତି ହେଲେ ଶରଦ ବାବୁ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ମୋର ଟୁ ୟଙ୍ଗ, ଆଗରୁ ବି ତାଙ୍କର ସଭାପତିର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଖୁବ୍ ମଜବୁତ କରିବେ, ଆଗକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ପଞ୍ଚାୟତ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ଶୋଚନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପିସିସି ସଭାପତି ପଦରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ। ଏହାପରେ କିଏ ହେବେ ପିସିସି ସଭାପତି ତାହାକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଚେଲା କୁମାର ଓଡ଼ିଶା ଆସି ନେତାଙ୍କ ସହ ମାରାଥନ ବୈଠକ କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ, ଯେଉଁଠି ସୋନିଆ ଓ ରାହୁଲ ଓଡ଼ିଶାର ନେତାଙ୍କ ସହ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ସାମୂହିକ ବୈଠକ ବି କରିଥିଲେ। ଏହାର ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଶରଦଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖିଆ କରାଇଛନ୍ତି ସୋନିଆ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।